अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसकी मीटर की जो केबल होती है ये वाली केबल चेंज करेंगे, ये वाली मीटर केबल। तो दोस्तों इसको हमने चेंज करना है क्योंकि ये केबल जो है यहाँ से टूट चुकी है और इसका जो मीटर है वो भी ऑन नहीं हो रहा, यानी कि मीटर की जो सुई है वो नहीं चल रही ना मीटर की रीडिंग चल रही है। तो आज हमने इसकी मीटर की जो केबल है वो चेंज करनी है। वो किस तरह से करेंगे आज पूरी डिटेल से आप दोस्तों को बताया जाएगा। तो दोस्तों इसकी मीटर की केबल चेंज करने के लिए हमें इसकी हेडलाइट भी खोलनी पड़ेगी और मीटर खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हेडलाइट खोलनी है। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जो है वो लाजमी करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसकी केबल को यहाँ से निकाल लेना है इस तरीके के साथ। इसके बाद हमने करना ये है कि इसके बाद दोस्तों हमने इसकी हेडलाइट खोलनी है और ये वाली यहाँ से खोलनी है। खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये केबल को हम यहाँ से खोल लेंगे। तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ। अब हमने हेडलाइट खोल लिया है। हेडलाइट को हम जो है इस ये वाला पेच खोलेंगे। जी तो दोस्तों हेडलाइट जो है इसकी खुल चुकी है। अब हमने इस वाली केबल को नीचे की तरफ खींच लेना है। तो ये हमारी केबल जो है दोस्तों आज़ाद हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं ये इसकी पुरानी केबल है जो कि बिल्कुल यहाँ से डैमेज हो चुकी थी और ये इसकी वायर भी अंदर से नहीं घूम रही, ये भी जाम थी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमने ये सेल्फ कंपनी की डालनी है, इसको सुपर पावर कंपनी भी बोलते हैं, साथ भी बोलते हैं। तो इसकी केबल हम डाल रहे हैं। ये हमारे पास केबल है न्यू मॉडल की यूरो टेक्नोलॉजी की ये केबल है। तो इस केबल को ये वाली साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है जिधर ये लगाओ और ये साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है और इसको घुमा के देख लेंगे कि वायर इसके अंदर सही घूम रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से ये सही घूम रही है। तो सबसे पहले हम नीचे से डाल लेते हैं। नीचे जो है ये जो है ये इसके अंदर फिक्स करना है तो ये हम फिक्स कर लेते हैं। पहले हम इसकी वायर जो है वो गरारी के अंदर लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वायर जो गरारी के अंदर फिट हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से इसमें फिट कर देना है। यहाँ से प्लास से पकड़ के थोड़ा सा इसको चोट लगाएंगे तो ये इसमें फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये इसमें फिक्स हो गई है। अब हमने यहाँ से इसको गुजारना है। तो ये यहाँ से भी गुजर चुकी है। तो अब हमने इसको यहाँ से गुजारते हुए हेडलाइट में से गुजारना है क्योंकि ये हेडलाइट में से होते हुए आगे मीटर के साथ कनेक्ट होती है। दूसरी साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ तक इसको ले आया हूँ और यहाँ पे अब हम जो है इसको यहाँ पे फिट कर देंगे इसके अंदर।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बाइक की जो मीटर की केबल है वो डल चुकी है। अब हम जो फ्रंट व्हील है इसको घुमा के चेक करेंगे कि हमारा जो मीटर है इसकी स्विच चल रही है कि नहीं चल रही। तो अभी मैं व्हील को घुमाता हूँ। अभी मेरे पास दूसरा कोई बंदा नहीं है, वरना मैं आपको चेक भी करवाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ चेक करवाने की। तो थोड़ा मैं बाइक, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं व्हील को मैंने अभी घुमा दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी सुई जो है वो चल रही है। तो जैसे जैसे व्हील स्लो होगा ये ज़ीरो पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़ीरो पे आ चुकी है, 20 तक हमने इसको घुमा के कर दिया है। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि जैसे हम व्हील घुमाते हैं तो ये चल रही है मशीन इसकी। तो मतलब कि हमारा जो मीटर नहीं चल रहा था वो केबल का ही मसला था, कोई और मसला नहीं था। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि बाइक की मीटर केबल कैसे चेंज की जाती है, और अगर मीटर ना चल रहा हो तो केबल का प्रॉब्लम होता है वो कैसे चेक किया जाता है। ये आज पूरी डिटेल से आप दोस्तों को बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।